ओम गंगणपतये नमः। भगदुंड महाकाय सूर्यकोटिशमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ विंशोध्याय। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूतवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिके नैव मार्गेण मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्रोतोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथाविधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिक्यं सकलं कामं विधायानन्तरं भुवान् शिवस्मरण पूर्व ही भस्मरुद्राक्षधारक वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूजयेत् परया भक्ता पार्थिवं लिंगमुत्तमम्। सूजी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहनिक सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मयज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं ऋषियों सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिवस्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने च शिवालय सुजोदेशे पार्थिवार्चावधि विधीयते। शुद्ध प्रदेश संभूतां मिदमाहृत्यं यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजाः। विप्रे गौरास्मिता श्रोणा बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पाजाते यथवा यत्र वा भवेत्। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। संगगृह मृतिका लिंग निर्माणार्थम प्रयत्नतः अतीव शुभ देशे च स्थापेता मृदम शुभाम संशोध्य च जल नापी पिंडीकृत शनै शनै विधीयते शुभम लिंगम पार्थिवम वेद मार्गतः ततः संपूजित भक्ता भुक्ति मुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहं वच्मि श्रुध्यं सविधानतः। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्ध करके जल से सान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष स्वरूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन की जो विधि है उसे मैं विधानपूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। नमः शिवाय मंत्रेणा ऋषन्नद्रव्यं च पोक्षेत भूरसीत च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारेत। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के, इसके बाद भूरस इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आपो स्मानित मंत्रेण जल संस्कार आचरेत। नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फाटिक बांध मुच्यते। संभवायति मंत्रेण क्षेत्र सिद्धुम करो प्रकारेत। कुर्यात् पंचामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम्। नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान चरे छंगरलिंगस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्। भक्तिदस्तैतत्ते रुद्रावेदि च मंत्रतः आसनम रमणीयं वे दद्याद्वैदिक मार्गकृत। मानो महांत मित्र च मंत्रेणावहनम चरेत। याद रुद्रेण मंत्रेण
सच्चेदुपवेशनं मन्त्रेण यामिस्मृति न्यासं कुर्यात् शिवस्य च अद्य ओषित प्रेम्णाधिवासं मम नाचरेत् मनुनासो जीविति देवतान्यासमाचरेत् अशोयो वर्षमर्पिति चाचरेदुपसर्पणम्। फिर आप उस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें, इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध बनाने की बात कहिए, नव नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्रशुद्धि और पंचामृत पोषण करिए। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन करने वाला उपासक भक्त पूर्वक एतत्ते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करे, या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामशुम ग्रिसंति हस्ते विहर्षवे शिवाम गिरताम कुर्मा ही गुम सिंह पुरुषम जगत इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्योचत अधिवक्ता प्रथमो देव्य अभिषेक अहिंसा सर्वांजमस याधान्यो धारजी प्राशु इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस्तामनो इस मंत्र से शिवलिंग में इस देवता का शिवन्यास करे। अशो योग सर्वत इस मंत्र से समर्पण देवता के समीप गमन करे। नमोस्तु नीलग्रीवायेति पाद्यम मनो नाहरेत अर्धम च रुद्र गायत्र्या चमनम त्र्यंबकेण च पय पृथिव्यां मंत्रेण पयसा स्नान आचरेत दधि क्राणेति मंत्रेण दधि स्नान चकारेत कृतस्नान खलु घृतम कृतावायेति मंत्रतः मधुव्याता मधुन्मक्त मधुम्मान्नवेदिरुजा मधुखंड स्नपनं भोक्तामिति पंचामृतं स्मृतम अथवा पाद्यमंत्रेण स्नान पंचामृतेन च मानस्तोकेत प्रेम्णा मंत्रणेन कटिबंधनम नमो दृश्वेत इति वा उत्तरीयं च धारयेत। या ते त्रिधि प्रेम्णा ऋषिकेषु वैदिकः शिवाय विधिना भक्ते चतुस्रसमर्पणम् नमः श्रवभ्य इति प्रेम्णा गंधम दुधा जासुधि नमस्तक्ष इति चाक्ष तान मंत्रेण जार्पयेत। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से महादेव की उपपाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ दे, त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए, पय पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए, दक्ष ग्रावेणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए, घृतम घृत पावाह इस मंत्र से घृत स्नान कराए, मधुवाता मधुनक्तम मधुमानो इति तीन ऋषाओं से मधु स्नान और सर्गा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्राव इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदनंतर मां नस्तोके इस मंत्र से प्रेमपूर्वक भगवान शिव को कटबंध करधनी अर्पित करे। नमो धृष्टवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरी धारण कराए। याते हेति इत्यादि चार ऋषाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमः श्रभ्य इति मंत्र को इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमः नमः पार्या इति वा पुष्पम मंत्रेण चार्पयेत नमः पर्ण्यार्यम इति वा बिल्वपत्र समर्पणम नमः कपर्दिने चेति धूपम दद्याद थाविधि दीपम दद्याद थोक्तम तु नमः आसवेत्युषा नमो ज्येष्ठाय मंत्रेण दद्यान्नैवेद्यमुत्तमं मनुना त्र्यम्बकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रैति ऋषा कुर्यात् फलसमर्पणम् नमो वज्र वज्रैति ऋषां सकलं शम्भो विप्रयत मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्दद्वयेनैकदा साक्षयते रुद्रान् रुद्रान् प्रभुजयेत् हिरण्यगर्भम् इति ऋज्वा दक्षिणा ही समर्पयेत देवस्तत्वेति मंत्रेण अभिषेकम चरेत बुध नमस्तक्षुभु इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करे। नमः कपर्दिने
इस मंत्र से विधिपूर्वक धूप दे। नमः आसमी इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमः ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए, ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महांतम अथवा मानस्तों के इस पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों की पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्वता इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए दीप मंत्रेण वाशंभोर नीराजन विधिम चरेत पुष्पांजलि चरेद्वक्ता इमरुद्राय चरुचा मानो महांत मिथ्या चरित प्राज्ञ प्रदक्षिणाम मानस्तो केति मंत्रेण साष्टागम ब्रह्मेत सुधी ऐसते इति मंत्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत यतो यत इत्यभयाम ज्ञानाख्यम त्र्यंबकेण च नमः सेनेति मंत्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत दर्शयुद्धेन मुद्रां च नमो गोभ्यर्जानया पंचमुद्रा प्रदर्श्यार्थ शिव मंत्र जपम चरेत सतरुद्र सतरुद्री मंत्रेण जपेद वेद विचक्षण ततः पंचांग पाठम च कुर्याद वेद विचक्षण देवा गत्विति मंत्रेण कुर्याद शंभो विसर्जनम इत्युक्त शिव पूजाया व्यासतो वैदिको विधि समातस्य श्रणतु वैदिकम विधिमुत्तमम ऋचा सद्यो जातमिति मुदाहरणमाचरेत वामदेवाय इति च जल प्रक्षेपमाचरेत अघोरेण च मंत्रेण लिंग निर्माणमाचरेत तत्पुरुषाय मंत्रेणानाहनम कुर्याद तथा विधि। दीप के लिए बताए हुए नमः नमास्मि इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजना करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तपूर्वक इंद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिवमुद्रा का प्रदर्शन करें। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महासमुद्र का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वैदिक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वैदिक पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवागात इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सद्यो जातः इस ऋचा से पार्थिव लिंग को बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र लिंग से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। संयोजय द्विकाया मा सीनमानुनाम हरम अन्य अन्य सर्वविधानम च कुर्यात् संसेवित सुधी पंचाचरण मंत्रेण गुरुदत्तेन वादथा कुर्यात् पूजा खोडसोपचारण्य विधिवत सुधी भावाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय सजमौलिनी अनेन मनुनावापि पूजय शंकरं सुधी सुभक्त्या च ब्रह्म त्यक्ता भक्तयो फलदः शिवः इत्याद प्रोक्तमादृत्य वैदिकं क्रम पूजनं प्रोचते न्याविधिः सम्यक् सद्धारण तथा द्विजा। ईशान मंत्र से भगवान शिव की वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए किसी अन्य शिव संबंधी मंत्र से 16 उच्चारों द्वारा भगवान शिव का विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय सजमौलिनी इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। यह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। इत्याद प्रोक्तमादित्य वैदिकं क्रम पूजनम
प्रोचते न्यविधि सकधारण दयादुजा पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनाम भी तम श्रुद्ध गुणश्रेष्ठा सर्वकाम प्रदायिनीम हरो महेश्वर शंभु सूरपाणी पिनाग्धिक शिव पशुपति शैव महादेव वैदिकमात मृदाहरण संघट प्रतिष्ठाहनमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वीति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्थ्यन्तये रमोनन्तैर्नाम विक्रमात् कर्तव्यास क्रियाशत्वा भक्त्या परमया मुदा। ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनियों, पार्थिव लिंग की पूजा की भगवान शिव के नामों से बताई गई है, वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है, मैं उसे बता रहा हूँ। हर महेश्वर शंभ शूलपाण पिनाकधिक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। उनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए, दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे, फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे, ओम पिनाकधिशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए, ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे, फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम की याद में ओंकार और अंत में चतुर्थी भक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। कृत्वा न्यास सम्यक खड़ंगंकर योज तथा खड़क्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानम समाचरे कैलाश पीठ पीठासन मध्य संस्थम भक्ते सनंदाभिर्चरमानम भक्तार्थिदावा नल प्रमेयम ध्याये दुमालिंग गति विश्वभूषणम ध्याये नित्यम महेशम रत्नगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रक्ताकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृग वराभीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तो तमगोमगैडे व्याधिकृतम वशानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलभयकरम पंचवक्तम त्रिनेत्रम। पंचाक्षर खड़क्षर मंत्र से अंगन्यास और कर्न्यास की विधि भलीभांत संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सानंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख स्वरूप दावानल को नष्ट करने वाले अप्रमेय उमा के समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंगकांति चांदी की पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनकी श्री अंग और भी उद्भसित हो उठी है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृगमुद्रा बर एवं अभय मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याध चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व की आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इति ध्यात्वा च सम्पूज्यं पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत् पञ्चाक्षरं मन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधिः स्तुतिभ्यश्चैव देवेशं स्तुतीति प्रणनुसृति नानाविधाभिवृन्दा पठेत् वै शतृतीयं ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा अञ्जलानि मुदा प्रार्थये शङ्करं भक्त्या मन्त्ररेभिषुक्तिः। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करे। हे विप्रोरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा स्मरण करे तथा शतरुद्री का पाठ करे। तत्पश्चात अंजल में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करे। तावकस्त्वद् गुणप्राण
सच्चिदोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अज्ञानाद्विद्याज्ञानात् पूजयादिगम्यया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनस्य भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदे पुराणे सिद्धान्ते ऋषिभिर्विधेऽपि न ज्ञातोऽस्मि महादेवं कुतोऽहं त्वा सदाशिव। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीय रक्षणीयस्त्वायाहं वै प्रसीद परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पान् पारणारोप्य शिवोपरि प्रणेमुद्भक्ति शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने। ततः प्रदक्षिणा कुर्यात् यथोक्तविधिना सुधि पुनः स्तुवीति देवी संस्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छुचिन्नवृद्धि कुर्याद्विज्ञप्ति मादित्य विसर्जनमथाचरेत। सबको सुख देने वाले हे कृपाधान हे भूतनाथ हे शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके गुण में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चंदन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उस रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपकी आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुने हे मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए, उन सम्भुदेव को भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त बुद्धि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवी सरस्वती की स्तुति करे। इसके बाद गाल बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। इत्युक्ता मुनिशार्दूला पार्थिवार्चा विधानत मुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विवर्धिनि। इत्यध्यायं सुचितेन यः पठेत् शृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वकामान् वाप्नुयात्। आयुरारोग्यं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यानमिदमुत्तमम्। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई जो भोग और मोक्ष को देने वाली तथा भगवान शिव की प्रतिभक्त भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य आरोग्य यश स्वर्ग पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विशेषोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्षमामि। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।